हेलो डी फ्रेंड्स, जेके हब ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट। और इस यूनियन टेरिटरी का नेम है दैट इज़ दिल्ली, दिल्ली यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी दैट इज़ द पुडुचेरी, देन सेकंड वन इज़ द दमन दीव एंड दादर नगर हवेली, द थर्ड वन इज़ द लक्षद्वीप एंड द फोर्थ वन इज़ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नाउ वी आर टेकिंग द फिफ्थ वन दैट इज़ द दिल्ली। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट वन, वेयर इज़ दिल्ली लाइज, दिल्ली इंडिया के मैप में कहाँ पे है, उसकी लोकेशन क्या है। सो दिल्ली जो है दैट लाइज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ आर कंट्री, दैट इज़ इन दिस प्लेस विच आई हैव मार्क्ड हेयर। इट इज़ इन द सेंटर ऑफ द इंडिया एंड वन साइड दैट इज़ इन द ईस्ट साइड द उत्तर प्रदेश इज़ देयर एंड द वेस्टर्न साइड दैट इज़ द हरियाणा इज़ देयर, राइट। सो बेसिकली जो दिल्ली में मेजर एरिया है वो उत्तर प्रदेश का है और साथ में हरियाणा का है, राइट। ओके, देन दिस इज़ द मैप ऑफ दिल्ली, राइट। This is the whole map of Delhi. Now, the major district of Delhi. So, most important, जो Delhi National Capital Region of India, इसको बोलते हैं National Capital Region, NCR, Delhi NCR भी बोलते हैं। इसमें जो total districts हैं वो हैं 11 districts, right? So, one by one इन district की भी discussion करेंगे, कौन कौन से district जो है वो Delhi में है। Now, the next one, this one is the major map, is showing the district map of Delhi. तो सबसे पहले है, that is the north, ठीक है, this is the north part of the Delhi, then northwest है, उसके बाद है वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिल्ली, साउथ वेस्टर्न दिल्ली, राइट। उसके बाद है साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली, ईस्ट पार्ट ऑफ दिल्ली, देन द नेक्स्ट वन इज़ द नॉर्थ ईस्ट, द नेक्स्ट वन इज़ द सेंट्रल दिल्ली एंड द नेक्स्ट न्यू वन इज़ द न्यू दिल्ली, राइट। और एक आपका शाहदरा। सो बेसिकली ये टोटल जो है दीज आर द 11 डिस्ट्रिक्ट इन दिल्ली। सो इसके ईस्ट साइड में है उत्तर प्रदेश और वेस्ट साइड में है दैट इज़ साउथ वेस्ट साइड में है दैट इज़ द हरियाणा, ओके। सो दिस वन इज़ अगेन द मैप ऑफ दिल्ली। अब अगर हम डिस्कस करें नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कि कौन कौन से मेन हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स यहाँ पे हैं, बिल्डिंग्स दिल्ली में हैं, तो सबसे पहले है हमायूं टॉम्ब, ये जो पिक्चर है दैट इज़ डिपिक्टिंग द हमायूं टॉम्ब। देन सेकंड वन इज़ द कुतुब मीनार, दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स ड्यूरिंग द किंग्स पीरियड, दैट इज़ द कुतुब मीनार। उसके बाद है, और ये कुतुबद्दीन ऐबक से रिलेटेड है, राइट। कुतुबद्दीन ऐबक जो स्लेव वंस जिन्होंने स्टार्ट किया था, तो कुतुबद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी। उसके बाद है द थर्ड वन इज़ द जामा मस्जिद, राइट। द फोर्थ वन दिस इज़ द रेड फोर्ट, या जिसे हम लाहौरी गेट भी बोल देते हैं, लाहौरी गेट, सो रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। उसके बाद है द इंडिया गेट, देन नेक्स्ट वन इज़ द दिगंबर जैन मंदिर है विद गौरी शंकर टेम्पल, इसके साथ ही गौरी शंकर टेम्पल भी है बैकग्राउंड में, तो कौन सा है ये दिगंबर जैन मंदिर। द नेक्स्ट वन इज़ द जेम्स सेंट जेम्स चर्च है, राइट। और उसके बाद है द नेक्स्ट वन इज़ द हैदराबाद हाउस, दिस वन इज़ हैदराबाद हाउस, एंड द नेक्स्ट वन इज़ द लोटस टेम्पल, जो कि किस रिलीजन की वर्शिप के लिए फेमस है, दैट इज़ द बहाई रिलीजन की वर्शिप के लिए, राइट। तो ये बेसिक मेन मॉन्यूमेंट्स थे दिल्ली के। उसके बाद जो अदर मेन फेमस पॉइंट हैं दिल्ली में, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नेचर विल ब्रिज, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है वेयर सिग्नेचर विल लाइज, सो सिग्नेचर विल जो है ब्रिज जो है दैट इज़ इन दिल्ली, एंड सबसे हाईएस्ट ब्रिज है दिल्ली का, और ये कौन सी रिवर के ऊपर है, दैट इज़ द यमुना रिवर, राइट, यमुना रिवर। उसके बाद है सेकंड वन द दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ये भी बहुत मेन गिफ्ट है ट्रांसपोर्ट फील्ड में दिल्ली के लिए। द नेक्स्ट वन इज़ द IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओके। एंड उसके बाद है द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज़ द राजपथ इन दिल्ली। राजपथ मीन्स द राजपथ इज़ अ मेन एरिया इन द दिल्ली, दैट इज़ वेयर द सेंट्रल मिनिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट, राज्यसभा, लोकसभा एंड ऑल मिनिस्ट्रीज ऑफ इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एंड द हाउस ऑफ द प्रेजिडेंट, वो सारे का सारा इन्हीं राजपथ पे है। और राजपथ जो कौन सी पहाड़ियों पे है, दैट इज़ द माउंटेन्स ऑफ रायसीना, राइट, माउंटेन्स ऑफ रायसीना, राइट। उसके बाद है, अगर थोड़ा हम विकिपीडिया की डिस्कशन करें, सो दिल्ली जिसको हम दिल्ली भी बोलते हैं, राइट, द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यूनियन टेरिटरी भी है इंडिया की, कंटेनिंग द नेशनल कैपिटल जो है वो न्यू दिल्ली है। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, यमुना रिवर से, राइट। तो यमुना रिवर जो है वो वेस्टर्न साइड और राइट बैंक ऑफ दिल्ली के साथ है, एंड दिल्ली जो शेयर इट्स बॉर्डर विद द स्टेट उत्तर प्रदेश इन द ईस्ट एंड विद द स्टेट हरियाणा इन द रिमेनिंग डायरेक्शन, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। और द टोटल एरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द टोटल एरिया ऑफ दिल्ली दैट इज़ 1484 स्क्वेयर किलोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1484 स्क्वेयर किलोमीटर। एंड अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज़ नियर अबाउट 11 million ऑफ पॉपुलेशन, राइट। सो दिस वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मेन मेन जो सिटी इंक्लूड है, सैटेलाइट सिटीज़, सैटेलाइट सिटीज़ आर दो सिटी विच आर डेवलप्ड एट द पेरिफरी ऑफ एनी टाउन। तो सैटेलाइट सिटी दिल्ली में है, गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, नोएडा है, राइट। इसी को हम क्या बोलते हैं, NCR नेशनल कैपिटल रीजन बोलते हैं, राइट। एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है और सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी आफ्टर टोक्यो। तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज सिटी जो है वो टोक्यो है और सेकंड दैट इज़ दिल्ली, और इंडिया में सबसे लार्जेस्ट है दैट इज़ दिल्ली। अगर हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स की बात करें दिल्ली की,
तो कंट्री इंडिया है, कैपिटल दिल्ली सल्तनत के टाइम दिल्ली थी, तो कैपिटल दिल्ली सल्तनत के अराउंड 1214 में थी, मुगल एम्पायर 1526 में बनी थी ये कैपिटल, और कैपिटल ब्रिटिश इंडिया 1911 में बनी थी, और न्यू दिल्ली कैपिटल ड्यूरिंग द फ्रीडम ऑफ इंडिया 1947 में बनी, और रिपब्लिक ऑफ इंडिया की न्यू दिल्ली कैपिटल बनी 26 जनवरी 1950 को, यूनियन टेरेटरी बनी ये 1956 को, और नेशनल कैपिटल टेरेटरी बनी 1 फरवरी 1992 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल न्यू दिल्ली है, डिस्ट्रिक्ट टोटल 11 है, राइट, और जो बॉडी है यहाँ पे वो है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड है, वाइल चीफ चीफ मिनिस्टर इज देयर, तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। ओके, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल ये यूनिकैमरल है क्योंकि यहाँ पे कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, तो यूनिकैमरल लेजिस्लेटर में 70 सीट्स हैं, राइट, वाइल राज्यसभा की यहाँ पे 3 सीट है और लोकसभा की 7 सीट है। ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स थे। अगर हम एरिया वाइज पॉपुलेशन वाइज बात करें तो एरिया जो है वो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस 1484 स्क्वेयर किलोमीटर, जो वाटर एरिया पूरे दिल्ली में वो है 18 किलोमीटर स्क्वेयर, राइट, एलिवेशन हाइट फ्रॉम अबव मीन सी लेवल 200 to 250 मीटर्स है। ओके, पॉपुलेशन जो है वो 1,67,87,901, तो मतलब नियर अबाउट 1.6 करोड़ जो है वो पॉपुलेशन है। ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स है। उसके बाद अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें तो इंडिया में सेकंड हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा इनकम है इंडिया में दिल्ली की। ओके, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे है, जो दिल्ली ऑलरेडी किन किन चीज़ों में इनाग्रेशन करवा चुका है, लाइक इन द स्पोर्ट्स और इन अदर मैटर्स, तो 1951 एशियन गेम्स जो हैं वो भी कहाँ हुए हैं, दिल्ली में हुए, 1982 के एशियन गेम्स भी दिल्ली में हुए, 1983 नैम समिट नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट भी यहीं पर हुई थी, देन 2010 मैन हॉकी वर्ल्ड कप भी यहीं पर हुआ, 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स भी यहीं पर हुए, और 2012 ब्रिक्स की समिट, ब्रिक्स का मतलब है ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका, और 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप भी दिल्ली में हुआ था और वो भी इंडिया नहीं जीता था, राइट। उसके बाद अगर बेसिक हम डिस्कशन कर लें तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम 1956 टू 1992 तक थी, ऑन 1 फरवरी 1992 इट वॉज रीडिफाइंड एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, राइट। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन थी रिलेटेड टू द नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली, और ये इंडिया गेट है, ब्यूटीफुल पिक्चर, सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, थैंक यू।